रावण के भय से भयभीत रावण गया है नृत्यशाला में, भयमुक्त होने के लिए नृत्यशाला में गया। वो नृत्य भी अगर मीरा जैसा होता, नरसिंह जैसा होता तो इससे भी वो भयमुक्त हो सकता था, लेकिन ऐसा था नहीं। भगवान ने सुमेल पर्वत से एक बाण चलाया, रसभंग कर दिया। बार बार मंदोदरी कहती है गलत हो रहा है, सीता जी को वापस करो। राम जी ने अपने मंत्रियों से पूछा, प्रभु के मंत्रियों ने कहा कि प्रभु अभी भी एक बार इस जीव को सुधरने का मौका दिया जाए, और इसलिए अंगद को समाधान के लिए भगवान ने भेजा। हो सकता है समुद्र पर सेतु हमने बनाया, हमारी इतनी बड़ी ताकत देखने के बाद रावण भी अब समाधान करना चाहता हो तो मौका दिया जाए। लेकिन अंगद ने जाकर देखा, समझ गए कि शांति का ये उपासक ही नहीं, शांति की इसको खोज ही नहीं। प्रभु को कहा, प्रभु युद्ध करना होगा। राम सेना ने प्रातः काल में लंका को घेरा है, राक्षस दुर्गुण है, और दुर्गुण आप सुबह जल्दी उठो तो जब आप उठो तब दुर्गुण नहीं उठते, दुर्गुण को उठने में 10-11 बजे तक समय लगता है, धीरे धीरे दुर्गुण उठता है। और ऐसे में भजन कर लो तो सोए हुए दुर्गुण को समाप्त करना सरल होता है, इसलिए जल्दी उठने का आग्रह हमारे सभी महापुरुषों का रहता है। पहले दिन के युद्ध में आधी सेना रावण की खत्म हो गई, दूसरे दिन इंद्र जीत गया है युद्ध मैदान में, बहुत छल करता है, भगवान को भी नागपाश के बंधन में ले लिया, गरुड़ ने जाकर मुक्त किया। ये लक्ष्मण जी को ठीक नहीं लगा, लक्ष्मण जी गए, और जब लक्ष्मण जी ने युद्ध किया तब इंद्रजीत ने युद्ध के खिलाफ एक शक्ति को छोड़ा जिससे लक्ष्मण जी बेहोश हुए। लक्ष्मण जी ने बेहोशी की लीला की है, इसलिए की है इंद्रजीत काम रूप है और लक्ष्मण जी वैराग रूप है, जगत को यह बताने के लिए वैराग सशक्त रहे इसके लिए हरि नाम का आश्रय निरंतर करना चाहिए, नहीं तो इंद्रजीत का भरोसा नहीं, वासनाओं का विश्वास नहीं कि वो कब हमारे वैराग को भ्रमित कर दे, बेहोश कर दे, मूर्छित कर दे। ये बताने के लिए लीला हनुमान जी ले गए लक्ष्मण जी को उठाकर प्रभु के पास, और प्रभु बेचैन थे, क्या करें। एक वैद्य को बुलाकर लाए हैं जिनका नाम है सुसेन, और सुसेन कहता है कि संजीवनी तो है पर दोना चल पड़े, सूर्योदय के पहले लानी होगी। तो भगवान ने हनुमान जी की ओर दृष्टि करके पूछा, कैसे जाओगे। बोले, मनोजवम, मन जैसी गति से जाऊंगा, लेकिन मार्ग में कोई विघ्न आया तो। हनुमान जी बोले, मारुत तुल्य वेगम, पवन कचरे को साथ ले लेता है, पवन नहीं रुकता, हवा नहीं रुकती। बीच में कहीं माया में फंस गया तो। हनुमान जी बोले, जितेंद्रियम, लेकिन कोई राक्षस वेश बदल कर आवे और बोले कि लक्ष्मण जी ठीक हो गए हैं, प्रभु ने वापस बुलाया है तो। बोले, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी गए संजीवनी लेने के लिए। जब इच्छाओं का जहर चढ़ता है मनुष्य को, भौतिक इच्छाओं का जहर, ये इंद्रजीत का बाण है, और उस जहर को मिटाने की संजीवनी हरि नाम है, लेकिन वो हरि नाम इस तरह लेना पड़ेगा जैसे कि हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाया, यानी तर्क को हटाकर, बुद्धि को हटा कर के तब आर्तनाद से भजन करना पड़ेगा, तब गिनती वाला भजन नहीं चलेगा। जब आप पानी में डूब रहे हो तब गिनती वाली भक्ति करते हो कि एक मुझे बचाओ, दो मुझे बचाओ, 108 बार बोलोगे गिन के मुझे बचाओ, तब तो लग जाओगे बचाओ बचाओ। तो इस प्रकार जब इच्छाओं का जहर हमारे रग रग में चढ़ रहा हो तब हमें गिनती वाले भजन से वो जहर नहीं मिटता, तब हमें पहाड़ हटाना पड़ेगा, सारे तर्क और बुद्धि के पहाड़ उठाना पड़ेगा और
आर्त नाद से पुकार लगानी होगी, तभी वो जहर में, तभी भरत जी का बाण लगेगा, तभी भाव समाधि लगेगी। हनुमान जी पहुंचे हैं औषधि लेकर के, और लक्ष्मण जी तो चाहते ही नहीं थे कि जल्दी पहुंचे हनुमान जी, क्योंकि वो बेहोशी का नाटक कर रहे थे। भगवान की गोदी में सर है, मन ही मन लक्ष्मण जी कह रहे थे हनुमान आराम से आओ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष नारायण है। शेष नारायण की गोदी में अनादि काल से नारायण सो रहे थे, ये पहला मौका है कि आज नारायण की गोदी में शेष नारायण सो रहे थे, ये पहला मौका था। हनुमान जी पहुंचे, उपचार हुआ, लक्ष्मण जी जागृत हुए, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, जो तामसी अहंकार का प्रतीक है, केवल भगवत कृपा से समाप्त होता है, इसलिए कुंभकर्ण का विनाश हुआ भगवान राम के हाथों से। उसके बाद फिर से इंद्रजीत गया गुफाओं में यज्ञ करने के लिए, भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा। आज लक्ष्मण जी अकेले नहीं गए, भूतों को लेकर गए, क्योंकि एक बार बेहोश हो चुके थे, इसलिए बहुत सारा बल लेकर गए और यज्ञ से खड़ा किया। और तब साक्षात वैराग के हाथों से साक्षात काम इंद्रजीत का विनाश हुआ है, और अब अकेला रावण है। तो भगवान ने कहा कि हम अकेले युद्ध करेंगे, पर विभीषण को चिंता हुई, हमारे पास रथ नहीं है प्रभु, क्या होगा। भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया कि भले ही पास में कुछ न हो, एक सिद्धांत होना चाहिए, जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, जीवन धर्म के अनुकूल होगा तो समय पर जो चाहिए वो प्रकृति तुम्हारे पास पहुंचाती है, प्रकृति सहायक बन जाती है। दिव्य वर्णन हुआ है धर्म रथ का, कवच या भेद भी प्रभु देवताओं ने भगवान के लिए रथ भेजा था। तीसरे दिन भगवान रथारूढ़ हुए हैं। आरंभ में भगवान ने रावण के शस्त्रों को तोड़ने का, काटने का एक काम किया है। रावण को नहीं मारते, क्योंकि भगवान का अपराध लाख बार माफ होता है, लेकिन जब वो निर्दोषों को मारने लगा, भगवान के रथ के अश्व को, सारथी को, जो युद्ध देख रहे हो, जब निर्दोष पर प्रहार करने लगा, तब भगवान को क्रोध हुआ है। भगवान ने 30-30 बाण बहुत बार चला, मस्तक और भुजा भगवान काटते हैं, मर नहीं रहा, क्योंकि जीव की नाभि में कर्मों का कुआ होता है। ये रावण की बात नहीं है, सबकी बात है, कर्मों का कुआ नाभि में होता है। जब जीव के हृदय में गुरु कृपा से ज्ञान बाण लगता है, तब कर्मों का नाभि में जो कुआ है वो सूख जाता है। अन्यथा हर बार हम कर्म पूरा करने के लिए आते हैं, हिसाब खत्म करने के लिए आते हैं, पर खत्म नहीं करते, नया बहुत कुछ बाकी कर लेते हैं आने के बाद। इसके लिए हृदय में राम बाण चाहिए। और भगवान ने विभीषण की ओर देखा, भगवान बोले विभीषण में तो थक गया, ये तो मरता ही नहीं। विभीषण जी हंसने लगे, मुझे पता है प्रभु, आप कभी थकने वाले नहीं, आप मुझे यश दे रहे हैं। प्रभु आप रावण के कर्मों की ओर नहीं, आप अपने स्वभाव की ओर देखो, किसका उद्धार करो, एक जीव की ओर से संत ने कहा। तब भगवान ने 31 बार कहा, 10 मस्तक में, 20 भुजा में, और हृदय में ज्ञान बाण, राम बाण जब लगा, तब नाभि में जो कर्मों का अनंत गहरा हुआ था, वो खाक हो गया। तो कहाँ राम रनातो प्रसारी कहकर रावण युद्ध में राम ने गिरा, और देवता भी भगवान की जय नाच करने लगे। बोली रामचंद्र भगवान, रावण के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ विभीषण जी के हाथों से। विभीषण जी का विधिवत तिलक हुआ। उसके बाद सीता जी को प्रभु के पास लाया गया, और
देव कार्य हो जाए तब तक भगवान ने कहा था तुम पावक महाकर हो निवासा, या देव कार्य हो गया अवतार कार्य चालू था। तो भगवान ने कहा अब रूप प्रकट कर दीजिए, सीता जी ने अपना रूप प्रकट कर दिया और विभीषण जी की इच्छा थी भगवान मेरे घर पधारे, थोड़ा विश्राम करे। राम जी को विश्राम की जरूरत भी बहुत थी, अभी अभी युद्ध विराम हुआ था, लेकिन भगवान ने कहा कि विभीषण मुझे विश्राम की जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा मुझे भरत के पास पहुंचने की तीव्रता, यदि मैं समय से न पहुंचा तो शायद उसका शरीर छूट जाए, और इसलिए तुम्हें सेवा ही करनी है ना तो एक काम कर दो, मुझे जल्दी पहुंचा दो, पुष्पक विमान तैयार कर। और विभीषण जी ने विमान तैयार किया है, मुख्य मुख्य बंदर भालुओं को रखा, बाकी भगवान ने सबकी विदा कर दी, सब भगवान के साथ आ गए हैं पुष्पक विमान में। और उस समय चलत विमान तोला प्रभु का विमान समुद्र के उस पार, रामेश्वर जी के पूजन अर्चन किया और मार्ग में ऋषियों को दर्शन देते हुए, दर्शन करते हुए भगवान पहुंचे हैं चित्रकूट, वहां से यमुना तट। और भगवान ने कहा हनुमान जी को बटुक रूप में तुम जाओ, भरत जी को खबर कर दो कि राम आ रहे हैं। हनुमान जी बटुक रूप में गए, गोस्वामी जी उत्तर आरंभ करते हैं। एक ही दिन बचा है, रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोक जह तह सोचे ही नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। लोगों को चिंता भी है और साथ साथ शकुन भी हो रहा था, 14 वर्ष से कोई पंछी भी गीत नहीं गा रहा था अयोध्या में। आज पहली घटना है माँ कौशल्या के भवन पर कौआ बोला, लगता था कि अभी कोई कहेगा कि राम आ रहे हैं। राम विरह में भरत जी डूबने की तैयारी, एक बार तो ऐसी घटना बनी थी, भरत जी को लगा कि मैं डूबकी लगा दूं डूब के मर जाऊं, और जब सरयू में डूबकी लगाई तो दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, दोनों ओर से भरत जी को पकड़ लिया। तो भरत जी ने पूछा आप कौन है, आप मुझे क्यों नहीं मरने देते? तो दोनों दिव्य पुरुषों ने कहा कि हम दोनों राम की पादुकाएं हैं, और राम ने हमको आज्ञा की है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक भरत के प्राणों की रक्षा तुम करना। पादुका भरत के प्राणों की रक्षा कर रही थी। हनुमान जी पहुंच गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु पधार रहे, और भरत जी ने प्रसन्नता पूर्वक देखा आप कौन है? तो हनुमान जी ने कहा मारुत सूत में कपि हनुमान, बटुक रूप में थे ना इसलिए भरत जी ने नहीं पहचाना, नहीं तो पहचानते तो खुद बाण मारा था। हनुमान जी कभी ये नहीं कहते थे मैं मारुत सुत हूँ, मैं पवन पुत्र हूँ, लेकिन भरत जी की राम भक्ति को देखकर मैं राम का बेटा हूँ, मैं राम दूत हूँ, ये कहने में संकोच हुआ हनुमान जी को, इसलिए मारुत सुत में कपि हनुमान नाम मोर सुनो कृपा निधान, मारुत सूत में कपि हनुमान। भरत जी पूछते हैं राम के विषय में, हनुमान जी राम गुणगान गाते हैं और हनुमान जी गए प्रभु के पास। भरत जी गए अयोध्या, हरसी भरत कौशलपुर जाई, 14 वर्ष में पहली बार भरत जी के लिए हरसी शब्द का प्रयोग, सबको बताया, अयोध्या के लोग दौड़े, विमान जहां उतरने वाला था
वहां पर सब खड़े हो गए। हनुमान जी प्रभु के पास गए और वहां से विमान चला है। जब आकाश से अयोध्या का दर्शन हुआ, राम जी ने अपने मित्रों को बताया कि दुनिया भले ही वैकुंठ की सराहना करे, मुझे तो अयोध्या के समान प्रिय कुछ नहीं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। भगवान का विमान जब नीचे आया और सबसे पहले शस्त्र फेंक कर गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया। प्रभु ने जगत को बताया कि हम शस्त्र को भी नहीं मानते और हम शास्त्र को भी नहीं मानते, हम तो मानते हैं गुरु के आदेश को। एक बार आदेश हो जाए कि शास्त्र उठा लो तो हम उठा लेंगे, और आदेश हो जाए शस्त्र उठा लो तो हम उठा लेंगे, क्योंकि हम तो आदेश के लोग हैं, हमारी अपनी पसंद कुछ नहीं होती। अनगिनत रूप धारण करके सबकी मुलाकात प्रभु ने कर ली। माताओं को मिलते समय सबसे पहले कई कई भवन उनको सांत्वना दी, सुमित्रा भवन कौशल्या जी से मिले। भरत जी जब भगवान से मिलते हैं, भगवान भरत जी से मिलते हैं, तब वहां पर मौजूद सब लोग स्तब्ध हो गए। प्रभु के प्रेम की सराहना करें कि भरत के भाग्य की ये कहना मुश्किल। भगवान अपने हाथ से स्नान कराते हैं, भरत जी की जटा सूल जाते हैं। इस संसार ऐसी जटा है, जैसे सुलझाना चाहोगे उलझती जाएगी। ये तो भगवान सुलझावे तो सुलझती है। अयोध्या के लोग कह रहे थे अब राम राज तिलक आज और अभी अभी। गुरुदेव ने कहा इतनी जल्दी क्यों है, तो लोगों ने कहा कई कई जिंदा है इसलिए जल्दी है, इसलिए अब कल नहीं। तुरंत तैयारियां हुई, सीता और राम स्नान श्रृंगार करते हैं। 14 वर्ष के बाद वो आभूषण आज धारण हुए हैं। दिव्य सिंहासन गुरुदेव ने तैयार करवाया। जब प्रभु गए, ब्राह्मण देवताओं की, साधु संतों की, साक्षात भगवान शिव की भी वहां उपस्थिति है। और वहां पहुंचे प्रभु, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके गुरु आज्ञा के बाद राज सिंहासन पर प्रभु विराजमान हुए। उस समय प्रथम तिलक वसी सबसे पहले तिलक हुआ है गुरुदेव के आशीष से। सारे ब्राह्मण देवताओं ने तिलक किया और राम राज स्थापित हुआ। भगवान की जय जयकार त्रिभुवन में हुई। चार वेद भगवान की स्तुति करते हैं और विदा लेते हैं। भगवान शिव स्तुति करते हैं, सत्संग और भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। राम राज्य के 6 महीने बीतने के बाद हनुमान जी के अलावा सभी मित्रों की विदा हुई और राम राज्य का दिव्य वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। राम राज्य के हजारों वर्षों के बाद स्वयं राम जी ने सभा बुलाई, मानव शरीर की महिमा का गान किया, हाथ जोड़कर सबको बताया कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोहि, शिव कृपा के बिना, शिव भजन के बिना राम भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कहते हाथ जोड़कर सब ही कहूं कर जोरी, शिव भजो, शिव और सदगुरु एक तत्व के दो नाम है शास्त्रों में, शिवत्व और गुरुत्व अलग नहीं है। बिना गुरु कृपा राम भक्ति के खजाने की चाबी हाथ नहीं लगती। सबको बताया, राज के 8 भाग कर दिए, चारों भाइयों के 2-2 संतान है। लवकुश का जंगल में जन्म, ये कथा है ही नहीं इसमें, सिर्फ नाम है। चारों भाइयों के 2-2, 8 भाग कर दिए और भगवान अवराई में विश्राम के लिए कहे। तुलसीदास जी स्वधाम शब्द लिख नहीं सके हैं, इसलिए अवराई शब्द रखा। भगवान शिव जी भवानी को बताते हैं ये कथा। कागभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी, गरुड़ श्रोता और कौवा वक्ता, ऐसा कैसे? शिव जी ने कहा कि युद्ध मैदान में
जब भगवान को बांधा था इंद्रजीत ने नागपाश में और गरुड़ ने मुक्त किया था, तब से गरुड़ के मन में संदेह था कि ये भगवान है कि नहीं। पार्वती ने पूछा, भगवान के वाहन है गरुड़, निरंतर साथ रहने वाला, उसको कैसे संदेह हुआ? शिव जी बोले, इसीलिए हुआ, निकट के लोगों को संदेह होता है, दूर के लोगों को नहीं होता। ये निकट था इसलिए इनको संदेह हुआ, इसलिए पहचान नहीं पाया। कहीं ना कहीं गरुड़ के भीतर एक अहंकार भी था कि दुनिया का बोझ भगवान उठाते और भगवान का वजन में उठाता हूं। उसको ये पता नहीं था भगवान दयालु है कि मेरे से भी उठ जाते हैं, ये पता नहीं था। तो गरुड़ जी को भगवान शिव ने काकभुशुंडी जी के पास संदेह निवारण के लिए भेजा था। काकभुशुंडी जी ने राम कथा सुनाई और गरुड़ जी के प्रत्येक प्रश्नों का समाधान कराया, भक्ति की महिमा सुनाई। और चलते चलते में गरुड़ जी ने पूछा था, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पाप, संत असंत में फर्क कितना, मन के रोग क्या होते हैं। काकभुशुंडी जी ने कहा, मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है, सत्संग सबसे बड़ा सुख, असंतोष मन की दरिद्रता सबसे बड़ा दुख, निंदा सबसे बड़ा पाप, अहिंसा सबसे बड़ा पुण्य, संत असंत में चंदन और कुलाड़ी जैसा फर्क होता है, मन के रोग काम क्रोध लोभ ये सब मोह से उत्पन्न होते हैं। जाते जाते गरुड़ ने कहा कि अभी तो कोई रोग नहीं है, मुझे भविष्य में हो जाए तो दवाई कहाँ मिलेगी, उसका पता बता दो। तो बताया, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आसा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, गुरु के वचन औषधि है, जब मिल जाए तब वो औषधि रख लेनी चाहिए, जब जरूरत पड़े तब सेवन करना। राम कृपा नासे सब रोगा। गरुड़ जी ने विदा ली और शिव जी भवानी के पास कथा को विराम देते हैं। गोस्वामी जी अपने मन के पास कथा को विराम देते हुए मन को बार बार ये कहते हैं, राम भजो, राम भजो, अगर बड़े से बड़े अपराध तुमसे हो गए हो तो भी राम भजन ही इसका हल है। गनी का अजामिल गीत ब्याध गजाजी खर तारे खना, राम भजन से सबकी उन्नति हुई है, सबकी गति हुई है, राम भजन से ही सुख मिलेगा। मन को बार बार समझाया उसके लिए और कथा को विराम देते हुए गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मोह सम दीनन दिन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहू विशंभव वीर, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहि राम, कह करके उत्तर काल की समाप्ति की, रामचरितमानस के सातों कांड को यहाँ पर विराम देते हैं। इस मुरार की भूमि को भगवान अचलेश्वर महादेव के प्रसाद के रूप में, हम ये मानते हैं कि ग्वालियर में ये ग्वालियर का ही क्षेत्र है, तो इस भूमि में जितनी ही कथाएं बाद में हुई उनको, उन सारी कथाओं को हम भगवान अचलेश्वर जी का प्रसाद बताते हैं, क्योंकि जब पहली बार आना हुआ था तब भगवान अचलेश्वर महादेव ने बुलाया था और ये शिव प्रसाद है, शिव प्रसाद में ही राम रस होता है, शिव प्रसाद में ही अमृत होता है, और यही कारण है कि ये गंगा रुकने का नाम नहीं ले रही, ये सिलसिला बंद ही नहीं होता, क्योंकि हर बार का यही भाव यही अनुभव कि कथा विराम न हुई हो, कथा
कथा का तीसरा चौथा दिन हो तभी से ग्वालियर में अगली कथा की बात शुरू हो जाती है हमारे साथ। अगली कथा इस क्षेत्र में हो फिर ग्वालियर में या इसके 5-25 किलोमीटर के आसपास में, पर ये भाव बना रहता है भले ही नरेंद्र सिंह जी का परिवार निमित्त रहता है, कभी कभी कोई समिति, कभी कोई समिति, कोई ना कोई इसके लिए निमित्त जरूर बन जाता है। बात यह है कि ये भगवान शिव के प्रसाद में शुरू हुआ है और इसलिए ये गंगा कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रतिवर्ष, वर्ष दो वर्ष में, यहाँ तो प्रतिवर्ष की बात होती है लेकिन हम फिर वर्ष दो वर्ष जैसे अनुकूल बनता है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जब जब फोन आता है, मुद्गल जी का भी आता है, नरेंद्र भाई का, रामू का, तो हम कहते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए देश के उन क्षेत्रों में जहाँ जाना हुआ नहीं है अभी तक, तो वहाँ पर कथा हो, ऐसा एक प्रयास होता है। बाकी जहाँ कथा होती है आनंद होता है, आनंद तो तीर्थ बन जाता है। तो ये भगवान शिव का प्रसाद है, इतना ही नहीं साथ साथ आप सबकी धर्म निष्ठा भी अद्भुत है, संत निष्ठा और सत्संग निष्ठा भी आप सबकी बहुत है। आज समय में परिवर्तन था फिर भी आप लोगों ने प्रयास किया, जितने लोगों से बन पाया, तो जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा कामकाज को उसके अनुकूल करना मुश्किल होता है, फिर भी जब भी जितने ही लोग सुनते हैं बड़ी एकाग्रता पूर्वक ये रस का आनंद लेते हैं और जब ये रस पीते हैं तो कोई परिणाम तो आता ही है। ठंडा पियोगे तो उसका कुछ परिणाम आता है, गर्म पियोगे तो उसका कुछ परिणाम आता है, इसलिए बाकी सब छोड़ करके जब ये पीते रहोगे फिर देखो क्या परिणाम आता है। ये पीने के बाद परिणाम देखना, तो बहुत एकाग्रता से मनोयोग से आपने कथा सुनी है, ये अनुभव है हमारा हर बार। तो विशेष कुछ न कहते हुए यहाँ उपस्थित इस देश के एक महान तपस्वी महापुरुष हमारे राधिकानंद जी महाराज, रेत वाले बाबा और भी उपस्थित संत महात्मा हैं, नाम मुझे पता नहीं है, सभी के चरणों में और कथा में उपस्थित जो संत महापुरुष हैं उन सबके चरणों में प्रणाम, समस्त ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम, और इस आयोजन के लिए निमित्त नरेंद्र सिंह जी तोमर एवं पूरा परिवार, नरेंद्र भाई का तो भाव है ही आयोजन के लिए, कथा के लिए, लेकिन हम ये मानते हैं कि उससे भी बढ़कर संत के प्रति और कथा के प्रति निष्ठा है घर के महिलाओं की, जो निष्ठा है वो भी शायद उनसे भी अधिक है। जब एक आध दो वर्ष बीत जाते हैं तब आप लोग उनसे कहते हैं कथा कब होगी, ऐसा नहीं, घर से भी उनको बार बार कहते हैं कि कब कथा कराओगे, घर की महिलाएं उनसे कहते हैं, उनके बेटे बेटी कहते हैं कि कब कथा होगी। तो इसके लिए पूरे यजमान परिवार के धर्म भाव को, पूरे परिवार के संस्कार को धन्यवाद, और आप सबकी सत्संग निष्ठा को नमन करते हैं। और वैसे तो 1:15 विराम देने की हमारी बात हुई थी लेकिन जितना आपने विलंब किया उतना हमने विलंब किया, फिर कथा मैंने कहा था कि कथा शुरू करवाने में जितना विलंब करोगे उतना हम पीछे करेंगे, तो ये हिसाब की बात थी जो हमने बराबर कर दिया। तो विशेष समय नहीं, हमें भी पहुंचना है कहीं, आपको भी कहीं पहुंचना है, सबको कहीं पहुंचना है, क्योंकि दुनिया में हम सब कहीं पहुंचने के लिए आते हैं, तो अब हम सब अपने अपने गंतव्य की ओर जा सके, इसलिए गुरुदेव तुम्हारी महाराज की।
गिरनारी महाराज की श्री अचलेश्वर महादेव की सब संतन की ओ नमः पार्वती पते हर महादेव। माताओं एवं बहनों, आज तो कथा का विराम जल्दी हो गया। मुझे लगता है इस विराम के साथ साथ आप लोग भी बहुत जल्दी खड़े हो गए। अभी हमारे बीच में जो ब्राह्मण देवता हैं उनका पूजन होगा, माँ का पूजन होगा, माँ की विदाई होगी। जो गुजरात से चल के हमारे संगीतकार यहाँ आए हैं उनका पूजन होगा। और उससे भी बड़ी बात, हमारे मुख्य यजमान आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का कुछ संबोधन होगा एक 10 मिनट के लिए। अगर आप इजाज़त दें तो एक 10 मिनट के लिए आप सब लोग बैठ जाएं, जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। और उसके पश्चात जब आरती होगी तब मैं खुद कहूंगा कि आप खड़े हो जाएं। प्लीज कृपया, मेरे सभी महापुरुषों से निवेदन है, सारे बंधुओं से निवेदन है, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए, जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए। बोलिए सदगुरु श्री केशवानंद बापूजी महाराज की, मां कनकेश्वरी देवी जी की। उपस्थित सज्जनों, माता एवं बहनों, आप लोगों को मैं कुछ नई बात माता जी के विषय में बताना चाहता हूं। 9 दिन तक आप जिन लोगों ने माँ के प्रवचन सुने, और आप लोग ये बहुत भली बात जानते हैं कि पूरे देश में माँ के नाम से वहां के शहर की जनता उमड़ी हुई चली आती है।